लाइक करिए हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और क्लिक कर दीजिए ऑल बटन ऑप्शन को ताकि मिल सके हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट मित्र में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवो V17 प्रो के बारे में और हम बात करेंगे रेडमी नोट प्रो के बारे में। दोनों को हम कंपेयर करेंगे आज के वीडियो में और पता लगाएंगे आपके लिए कौन सा फोन लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम बात करेंगे डिस्प्ले की तरफ से एंड कैमरा एंड प्रोसेसर एंड रैम एंड स्टोरेज एंड बैटरी एंड बात करेंगे हम प्राइस एंड लॉन्च डेट की। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें हम डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको मिल जाएगा वीवो V17 प्रो में 6.44 इंचेस का डिस्प्ले और हम बात करें रेडमी नोट प्रो में तो आपको मिल जाएगा 6.53 इंचेस का डिस्प्ले। बात करें पिक्सल डेंसिटी की तो आपको मिल जाएगा वीवो V17 प्रो में 414 PPI की पिक्सल डेंसिटी और बात करें रेडमी नोट प्रो की तो यहाँ आपको मिल जाएगा 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी और बात करें हम डिस्प्ले टाइप की तो आपको मिल जाएगा वीवो V17 प्रो में सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बात करें रेडमी नोट प्रो में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले। बात करें प्रोटेक्शन की तो वीवो V17 प्रो आपको मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन और बात करें रेडमी नोट प्रो की तो आपको यहाँ मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोडक्शन। बात करें हम कैमरे की तो आपको मिल जाएगा वीवो V17 प्रो में क्वाड रियर कैमरा जो कि पहला होगा 48 MP का और दूसरा होगा 8 MP का और तीसरा होगा 2 MP का और चौथा होगा 2 MP का। बात करें हम रेडमी नोट प्रो की तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरा जो कि पहला होगा 64 MP का और दूसरा होगा 8 MP का और तीसरा होगा 2 MP का और चौथा होगा 2 MP का। अब बात करें कौन सा बेटर रहेगा तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा Redmi Note 8 Pro जो कि 64 MP है। बात करें हम फ्रंट कैमरे की तो आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरे में वीवो V17 Pro में 32 MP का और बात करें हम Redmi Note 8 Pro में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20 MP का फ्रंट कैमरा। तो कंपेयर करें अगर हम फ्रंट कैमरे की तो बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा वीवो V17 प्रो में जो कि 32 MP है। बात करें हम प्रोसेसर की, प्रोसेसर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 वीवो V17 प्रो में और रेडमी नोट प्रो में आपको मिल जाएगा मीडिया टेक का हेलियो G90T। और बात करें हम रैम एंड स्टोरेज की तो आपको मिल जाएगा 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज वीवो V17 प्रो में, रेडमी नोट प्रो में आपको मिल जाएगा 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज। और बात करें हम बैटरी की तो बैटरी आपको मिल जाएगी वीवो V17 प्रो में 4000 mAh की बैटरी 4100 mAh की बैटरी और बात करें हम रेडमी नोट प्रो में आपको मिल जाएगा 4500 mAh की बैटरी। कंपेयर करें बैटरी की तो बैटरी ज़्यादा बेटर रहेगा रेडमी नोट प्रो में। आपको दोनों ही फ़ोन में मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों ही फोन में एंड्रॉयड 9 Pie आपको मिल जाएगा। बात करें हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको दोनों में ही फोन में मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक दोनों ही फोन में आपको मिल जाएगा। बात करें हम प्राइस की तो आपको मिल जाएगा वीवो V17 प्राइस 27,990 रुपये और बात करें रेडमी नोट प्रो की तो इसकी प्राइस 14,990 रुपये है 14,090 रुपये। बात करें हम लॉन्च डेट की, इसकी लॉन्च डेट है वीवो V17 प्रो की 20 सितंबर और बात करें रेडमी नोट प्रो की इसकी लॉन्च डेट लगभग 3 अक्टूबर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने के ट्राई करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट डे।